मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। हम लोग यहाँ, इनका नाम है सनी है और ये कविता है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें लॉकडाउन में बहुत बड़ा ब्लेस किया। और ये बाहर एक नई गाड़ी जो खड़ी है, आप इसे देखिए। ये सब लॉकडाउन में ही प्रभु ने दिया है। और इस घर को आप देखिएगा, ये घर, इसका पहले रूम तो थे यहाँ पर, लेकिन वो जो रूम थे वो बहुत ज्यादा खराब थे, मतलब रहने लायक ही नहीं थे। लेकिन ये सब प्रभु ने दिया, जैसे यहाँ चलने लगी हैं ये, और ये सब कुछ प्रभु ने दिया है। सब जगह आप देखोगे तो इसको बहुत सुंदर तरीके से सब तैयार किया गया है। तो थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा से, ये तो फिर भी ठीक है, ऊपर से दिखाई दे रहा। पहले तो बहुत ज्यादा ऐसा था, सारा मकान जो था वो उसका बुरा हाल ही था। और पहले तो एक ही था ना, ये वाला इधर वाला आधा था, पहले आधा था, अब दूसरा भी ले लिया हमने। अच्छा, पहले ये इधर वाला, हम लोग यहाँ प्रार्थना किया था, आपने प्रार्थना की, प्रे करो ये दीवार हट जाए। ठीक ठीक ठीक, हाँ मुझे याद आ गया। तो यहाँ द्वार थी और आप कह रहे थे कि ये प्रार्थना करोगे ये द्वार हट जाए, तो वो द्वार हट गई और ये वाला साथ में आप देखिएगा। मैं आपको इसलिए उत्साहित करना चाह रहा हूँ, इधर भी रूम है और ये भी अंदर से बिल्कुल बहुत सुंदर बना रखा है, ये बहुत सुंदर बना रखा है सब। कैसे ये देखो, टाइल वगैरह सब लगा रखी है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और आप अंदर भी मैं देख सकता हूँ, अंदर से भी आप देखना इसको, ऊपर इसकी छत को देखना, ये और इसकी दीवारें और ये सब। इस साइड में किचन है, ये रूम भी दिखाना, फ्रिज भी नया ब्लेस किया है। अच्छा, लॉकडाउन में लिया, रेट लेके दो ले लिए। ये एक रूम है, प्रभु की दया से बना है, एसी सब लग गया, छत और सब तरहों से प्रभु ने ये सही किया। ये अभी अभी किया है, मतलब लॉकडाउन में किया है। तो इसके साथ उधर साथ में ही एक और रूम है, वो जो आपको अब इसको भी देखिए, इसकी छत और ये सब कुछ रूम परमेश्वर ने से ब्लेस किया है। तो आपने अक्सर इनकी गवाही सुनी होगी और परमेश्वर ने आशीष दी है। और ये वाला वो था डैनियल, जिसकी आंखें, डैनियल इसका नाम है। और ये वो बच्चा था, जब ये होने वाला था तो अल्ट्रासाउंड कराया था, तो डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इसकी आंखें नहीं बनी और ये इसका अबॉर्शन कराना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों जन आए और हम लोगों ने प्रार्थना की, एक डेढ़ मिनट प्रार्थना की बस, और फिर 6-7 दिन के बाद जब गए दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो इसकी आंखें, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में आया कि इसकी आंखें बनी हुई है। ये कहानी नहीं है, पहला अल्ट्रासाउंड और दूसरा अल्ट्रासाउंड, और फिर अब तो ये आपके सामने है, बिल्कुल इसकी आंखें सही हैं और प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया। और आशीष की इस सुंदर घर से साथ और बाहर नई गाड़ी और सब कुछ प्रभु ने आशीष दिया, इसलिए पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। तो आज मैं आपको एक घर दिखा रहा हूँ, ये घर जो आप देख रहे हैं और अभी अंदर से भी दिखाएंगे, ये इनका है, ये घर है। और इनकी पत्नी में क्या था, इनमें बहुत ज्यादा परेशान, शादी के बाद 8-9 साल
तक ये थी बीमार थी दुष्ट आत्मा थी। तो क्या दुष्ट आत्मा क्या करती थी? दुष्ट आत्मा से पकड़ लेती थी और वो कहते मैं ले जाऊंगी, मैं इसको दुष्ट आत्मा कहती है मैं इस अच्छा बेहोश हो जाती थी, दंदल पड़ जाती थी, दांत भी चल जाते थे, दंदल पड़ जाती थी। तो दुष्ट आत्मा बोलती थी कहती मैं साथ ले जाऊंगी, ऐसे कहती थी मैं ले जाऊंगी। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इन्हें चंगा किया। इन्होंने बहुत कुछ करके देखा, मैं आपको बता नहीं सकता है। और ये प्रभु के पास जब आए तो प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चंगा किया। और आप देखते हैं ये घर, ये बेचारे इनका बेटा, आप तो ये अभी बेटा बता रहा था कि हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं ना, तो मेहनत मजदूरी करते हैं और कैसे परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हालांकि कुछ ये था, ये कमरे बने हुए थे, लेकिन 8 सालों से 9 सालों से जब से ये दुष्ट आत्मा का अटैक था तो कुछ भी नहीं हो पाया था। और अब प्रभु ने ये सब कुछ दया की, वही काम है, वही मेहनत मजदूरी है, वही पैसा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आशीष इन पर ऊपर आई। और आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कैसे रसोई, और इनको दिखाना रसोई और ये सब काम, कमरा थोड़ा सा दिखा देना कैसे प्रभु ने आशीष दी है।